अनुशासन मारे दादी अनुशासन मारे अरे साढ़े सात से किसान मार रखे थे और अजय चौटाला के कहता किसानों जैसी बीमारी आज बीमारी में के कराना है भाई के अजय चौटाला है बीजेपी कर जेजेपी पूरा भाई जड़े भी जाएंगे ना पूरा हरियाणा में कितने जाओ इनका तो फुल विरोध है जमा फुल इसका जहाँ भी हमारी ताकत है जहाँ की किसान मोर्चा की ताकत है जहाँ किसानों की ताकत है वहाँ वहाँ इसका विरोध किया जाएगा। बीजेपी कर जेजेपी पूरा रूप तब बहिष्कार हमारे गाँव में कौन बढ़ेगा भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा में भाजपा प्रत्याशियों व सरकार में सहयोगी रही जेजेपी की नेताओं का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं, वहीं जेजेपी नेताओं का विरोध कहीं न कहीं पार्टी के लिए खतरे की घंटी बनता जा रहा है। मंगलवार को जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला भवानीखेड़ा पहुंचे तो उन्हें किसानों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। अजय चौटाला ने किसानों को समझाने का भी प्रयास किया, तमाम कोशिशें बेकार रही। अंत में चौटाला को बेरंग वापस लौटना पड़ा। किसानों ने यहां तक ऐलान कर दिया कि भाजपा जजपा नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से भाजपा व जेजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से भवानीखेड़ा पहुंचे अजय चौटाला को विरोध का सामना करना पड़ा, वहीं आखिर किसानों में इतना गुस्सा क्यों है, किसानों ने क्या कहा। भाई जेजेपी ने 4.5 साल किसान के MSP खतर मांग करी थी, मारे 7.5 से किसान मार रखे थे और अजय चौटाला के कहता किसानों जैसी बीमारी आज बीमारी में के कराना है भाई के अजय चौटाला है। हमने इसलिए विरोध करा बीजेपी कर जेजेपी पूरा रूप तब बहिष्कार हमारे गाँव में कौन बढ़ेगा भाई, चाहे हमारी लाश हो जियो और आज भी गो बैक कर दिया अजय चौटाला की मेरे छुट्टी है भाई मैदान में छुट्टी जाएंगे भाई जड़े भी जाएंगे ना पूरा हरियाणा में कितने जाओ इनका तो फुल विरोध है जमा फुल कोई नहीं बढ़ेंगे। आज अजय चौटाला जो जेजेपी के अध्यक्ष हमारे गांव में आए हुए थे, जिन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को बीमारी बताया था और ये कहा था कि ये कानून जो लागू कर दिए सरकार ने वे वापस नहीं होते, किसानों ने आंदोलन करके उन कानूनों को भी वापस करवाया और वही आदमी आज गांव में आए हुए थे, इसलिए हमने उसका विरोध किया और हमने अपने किसान आंदोलन में जो 750 किसान शहीद हुए थे उन शहीदों की याद में आज अजय चौटाला की गाड़ी को वापिस बैक करके वापिस जाने के लिए मजबूर कर दिया और उनको काले झंडे दिखाए। हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य का वापिस करवाने के लिए और जो अजय मिश्रा टैनी ने किसान हुए याद करते हुए आज पूरा अजय चौटाला को यहाँ से वापिस हमने इसकी गाड़ी को वापिस किया और उसको उसके खिलाफ नारेबाजी की और उसको ये दिखाने की कोशिश की ये किसान है ना, किसान कुछ भी कर सकता है और ये किसान ने आज जो अजय चौटाला को सराखों में बिठाया था उन्हीं किसानों ने आज इसी अजय चौटाला को उल्टे पांव जाने के लिए मजबूर कर इसका जहां भी हमारी ताकत है जहां की किसान मोर्चा की ताकत है जहां किसानों की ताकत है वहां वहां इसका विरोध किया जाएगा, गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। मैं राजेश कुंगड़, अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी भवानीखेड़ा।